स्वागत है आपका फ्री कोड चैनल में। आज मैं आपको एमएक्स प्लेयर अल्टरनेटिव सोर्स कोड देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके अंदर आपको ना कि एडमोब के ऐड नहीं मिलेंगे, ना ही आपको फेसबुक के ऐड मिलेंगे। उसके अंदर आपको मैं यूनिटी के ऐड दूंगा लगाकर, जिसके अंदर आपको बैनर ऐड मिलेगा। अगर आपकी अच्छी डिमांड आती है तो उसके अंदर मैं आपको इंडस्ट्रियल ऐड भी ऐड कर दूंगा। इसको आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको, आप चाहे तो इसको ग्रुप अर्निंग भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि यूनिटी की इसके अंदर गेम आईडी लगी हुई है, इसलिए आपको बैन होने का कोई खतरा नहीं है, ना ही इसमें ऐड लिमिट्स लगेगी। चलिए हम अपनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका यूआई बहुत ही अच्छा इंटरफेस है इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर टॉप पे आपको यूनिटी की बैनर आईडी शो हो रही होगी, जो कि आपको ये प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग देगी। और इसमें आपको ऐड लिमिट का भी कोई खतरा नहीं है, इससे आप चाहे तो ग्रुप अर्निंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और चाहे तो इसमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका एक वीडियो प्लेयर है, जिसके अंदर आप चाहे तो मूवी भी देख सकते हैं। आपकी अगर लंबी मूवी होगी, इसके अंदर आपका बैनर ऐड हरदम शो होता रहेगा, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी, जिसके आप ऊपर भी देख सकते हैं। और इसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करने के बाद तो आपकी बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। चलिए आपको मैं बता देता हूँ आपको ये सोर्स कोड मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होते ही वहाँ पे आपको सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखोगे, कम्प्लीट देखने के बाद आपको ये पासवर्ड कहीं पर भी शो हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप पासवर्ड मिस कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो कम्प्लीट देखना, कम्प्लीट देखोगे तो इसका पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। न्यू व्यूवर को पासवर्ड नहीं मिलता, क्योंकि वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर ही आपको पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ मैंने अभी बैनर ऐड लगा के दिया है। अगर आपकी अच्छी डिमांड आती है और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपका, तो इसी वीडियो के अंदर इस सोर्स कोड के अंदर आपको मैं इंडस्ट्रियल ऐड भी लगा के दूंगा, जिसे आप ग्रुप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए, जिसके आप देख सकते हैं, इसका इंटरफेस आप देख चुके हैं कैसा है, वो आपको मैं सोर्स कोड भी बता चुका हूँ। आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम आ जाते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। चलिए, यहाँ पर हम सीखेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में पैकेज नेम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे मैनिफेस्टो में। यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप, हमारा ओल्ड पैकेज नेम शो हो रहा है, जिसे हमें चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख, जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ हमारा पैकेज नेम कौन कौन सा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉम डॉट, और ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम आ रहा है, और सेकंड फिर हमारा ऐप का नेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा पैकेज नेम है, जिसे हमें चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे, चलिए मैं सबको क्लोज कर देता हूँ और अपना सेटिंग में आ जाता हूँ एक बार। सेटिंग पे हम देख लेंगे एक चीज़, कॉम्पैक्ट, अगर यहाँ पे हमारा टिक होगा तो इसे हमें अनटिक कर देना होगा। चलिए मैं टिक लगा के आपको पहले दिखा देता हूँ, अगर टिक होगा तो आपका पैकेज नेम कैसे शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके सारे पैकेज नेम मर्ज हो चुके हैं, जो कि सारे आपके जुड़े हुए दिखेंगे। इन्हें हमें अलग करना होगा। अगर अलग नहीं करेंगे, ऐसे ही चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा, इसलिए आपको इन सबको पहले अलग करना होगा। अलग कैसे होंगे, ये आपको फिर से सेटिंग के ऑप्शन पर जाना होगा, और यहाँ से जैसे कि आप कॉम्पैक्ट पर टिक हो रहा होगा, इसे आपको हटा देना है टिक को। जैसे आपको टिक हटा देंगे और फिर देखेंगे, तो यहाँ से आपके जितने भी पैकेज नेम जो मर्ज थे, वो सारे अलग हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉम अलग हो चुका है, आपका फ्री कोड जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये आपका पैकेज नेम तीनों के तीनों अलग हो चुके हैं। और चलिए, इसे हम चेंज कैसे करेंगे, पैकेज नेम पर राइट क्लिक करना होगा और रिफैक्टर पर आ जाएंगे, रीनेम पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम फिर से रीनेम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका जो भी पैकेज नेम होगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, हरदम अपना पैकेज नेम यूनिक रखें, जो कि आप प्ले स्टोर पे या अदर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप अपनी ऐप को पब्लिश करें, तो वहाँ पे आपकी आसानी से पब्लिश हो जाए। अगर आपका यूनिक नहीं होगा पैकेज नेम, तो ये आपकी ऐप पब्लिश होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप अपना पैकेज नेम हरदम यूनिक रखें। तो ऐसे ही आपको सेकेंड पैकेज नेम भी ऐसे ही आपको चेंज करना होगा, सेम प्रोसेस होगा। चलिए, हम यहाँ से भी अपना पैकेज नेम को चेंज कर देंगे। चलिए, आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको रीनेम कर देना होगा, यहाँ पे रिफैक्टर कर देना होगा, नीचे आपका डू रिफैक्टर आ जाएगा, डू रिफैक्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपका कम्प्लीटली पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। चलिए, हम इसे क्लोज कर देंगे और अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। इस पर हम क्लिक कर देंगे, बिल्ड ग्रेडल में क्लिक कर देंगे।
जैसे कि आपको मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ से हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी, हमारा पैकेज नेम अगर यहाँ से चेंज नहीं हुआ है तो एरर शो हो जाएगा। तो प्लीज़ हमें यहाँ से अपना पैकेज नेम को फिर से वहाँ से कॉपी करने के बाद मैनिफेस्टो में जाके वहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। सेम होना चाहिए हमारा पैकेज नेम यहाँ पे भी और मैनिफेस्टो में भी। तो चलिए हमने सारा पैकेज नेम चेंज कर दिया है, इसे हम क्लोज कर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे अपनी ऐप का नेम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे, हम ऐप में आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, और इस फोल्डर में आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, हम वैल्यूज़ में आ जाएंगे और यहाँ से हम सबसे नीचे आ जाएंगे stream.xml में, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऐप का नेम है जिसे हमें चेंज करना होगा। आपको जो नेम अच्छा लगे वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे, यहाँ से हमारा ऐप नेम चेंज हो जाएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करने के बाद ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होते ही वहाँ पे आपको सारे सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएंगे जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे। पासवर्ड आपको इस वीडियो में कहीं पर भी शो हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखना। यहाँ से हमारा ऐप नेम चेंज हो चुका है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे अपनी ऐप के अंदर जितने भी कलर हैं उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे। इसका भी सेम प्रोसेस है, वैल्यूज़ में चले जाएंगे, वैल्यूज़ में जाके हम color.xml में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा color.xml मिल चुका है हमें, इस पर हम क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारी ऐप के अंदर जितने भी कलर यूज़ हुए हैं वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। कलर चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको कलर पे क्लिक करना होगा। कलर पे क्लिक करने के बाद तो कस्टम खुल जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो भी कलर है आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपका कोई स्पेशल कलर है तो आप उसका कोड भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हम कलर आसानी से चेंज कर देंगे। और आपका कोई स्पेशल कलर है तो उसका आपको यहाँ पे बगल में आपको कोड दिख रहा होगा, आपको सिर्फ उस पर पेस्ट कर देना होगा अपना कलर का कोड और यहाँ से आपका वही कलर सेम हो जाएगा। चलिए हम स्टाइल पे भी आ जाएंगे, यहाँ से हम अपनी ऐप के अंदर जितने भी स्टाइल कलर होंगे वो यहाँ से, यह थीम होगी आपकी वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। आपका सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको कलर पर क्लिक करना होगा और कस्टम पर चले जाना होगा। यहाँ से आप जैसा भी कलर बनाना चाहें वैसा कलर बन जाएगा आपका। चलिए हम यहाँ से हमने अपना ऐप का कलर चेंज कर चुके हैं। चलिए यहाँ से हम एक बार हम बैकग्राउंड कलर में भी आ जाएंगे, यहाँ जिसके वाइट है तो चलिए हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और इसे हम क्लोज कर देंगे और पूरे को हम क्लोज कर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए हम इसको क्लोज करने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम सीखेंगे अपनी ऐप के अंदर ऐप का लोगो हम कैसे चेंज करेंगे या हम उसे कैसे रिप्लेस करेंगे। तो सीधा हम आ जाएंगे अपने जावा पे हमें सीधा राइट क्लिक करना होगा। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आ जाएंगे और इमेज एसेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले से ही अपना लोगो लगा रखा है तो सबसे ऊपर आ जाएंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपके लोगो के मल्टी शेप आ चुके हैं, तो यहीं से हम चलिए इसका पाथ सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने पहले से ही चेंज कर सका है, चाहे तो आप इस पर भी चेंज कर सकते हैं, तो चाहे आप ये मल्टी शेप पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आपका पाथ है जिसे आपको सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे भी आपका लोगो होगा आपने बना के रख रखा है तो आप चलिए वो हम चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने अपना डेस्कटॉप पर बना के रख रखा है तो मैं सीधा डेस्कटॉप पर आ जाऊँगा अपने और यहाँ से मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा इसके अंदर एडजस्ट हमें करना होगा, तो एडजस्ट हम यहाँ से कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे हमारे सर्कल के अंदर हमारा लोगो पूरा फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम चेक करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट के बाद फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और लास्ट में हमारा फिनिश का ऑप्शन आएगा, हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा लोगो लग चुका है और चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे हम सबको क्लोज करने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सीखेंगे अपनी गेम आईडी यूनिटी की आईडी हमें कहाँ लगानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ऐप के अंदर आ जाएंगे, इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने जावा पे आ जाएंगे, कॉम पे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे एक्टिविटी प्लेयर जावा, इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। चलिए सबसे पहले आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जिसके आप देख सकते हैं इस पर हमें क्लिक करना होगा एक्टिविटी प्लेयर पे। तो चलिए इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं और जैसे कि सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये आपकी गेम आईडी आ जाएगी सबसे ऊपर। चलिए मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपकी। चलिए मैं आपको हाईलाइट करके पहले दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपकी गेम आईडी आएगी यूनिटी की, यहाँ से आपको उसे रिप्लेस कर देना होगा अपनी आईडी से जो कि आपने अकाउंट बना रखा होगा यूनिटी का।
वहाँ से आपको सिर्फ कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद यहाँ से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और जिसके आप देखते हैं यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल ऐड का भी मैंने ऑप्शन डाल दिया है, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस रह गया है। इसके अंदर आपको सिर्फ अभी बैनर ऐड ही शो होंगे। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल ऐड भी मैं ऐड कर दूंगा, जो कि उसके नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमने अपनी गेम आईडी रिप्लेस कर दी है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना होगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको अभी तक मैंने जितने भी आपको फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करे हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे। सोर्स कोड के ऊपर आपको एक वीडियो दिख जाएगी, सबके ऊपर जितने भी सोर्स कोड होंगे सोर्स कोड के पास आपको एक वीडियो होगी जिसके अंदर आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड आपको जब ही मिलेगा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखना, वीडियो के अंदर ही आपको पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हमने अपनी गेम आईडी कंप्लीटली रिप्लेस कर दी है। और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते उनके लिए भी मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप क्लिक करने के बाद वहाँ से सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम सबको क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए हम सबको क्लोज करने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपना एपीके कैसे जनरेट करेंगे, जिसे हम प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे बिल्ड में। आपको मैं एरो करके दिखा देता हूँ और हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एरो करके भी दिखा दिया है और आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। और नीचे आ जाएंगे, फिर आपको जनरेट साइन ए बंडल आपको इस पर क्लिक करना होगा। जिसके आप फिर से देख लीजिए, हमें इस पर ही क्लिक करना होगा, जनरेट साइन ए बंडल ऑब्लिक एपीके, क्योंकि हमें एपीके जनरेट करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऐप बंडल, जो कि ये फाइल होती है, इसे आप सिर्फ अपने प्ले स्टोर पर ही पब्लिश कर सकते हैं जनरेट करने के बाद। और नीचे आप देख सकते हैं एपीके, ये आप प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं और अदर प्लेटफॉर्म पर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ इसके अंदर अपना एपीके ही जनरेट करेंगे। और मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सिर्फ एपीके ही जनरेट कीजिए। चलिए हम अपने एपीके पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कीस्टोन पाथ का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमें क्रिएट करना होगा। और नीचे आप देख सकते हैं आपको क्रिएट नाउ का भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करने के बाद क्रिएट करेंगे अपना कीस्टोन पाथ। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। और ऊपर आप देख सकते हैं कीस्टोन, ये आपका कीस्टोन आपको कहाँ पे रखना होगा, इसे चलिए हम अपने जहाँ पे भी आप हमारा सोर्स कोड है हम वहीं पे रखेंगे। और ये आपका जब काम आता है, जब अपनी ऐप को अपडेट करते हैं जब ये आपको काम आएगा, इसलिए आपको ये ध्यान से रखना होगा। तो चलिए इसे हम जहाँ पे हमारा सोर्स कोड है हम वहीं पे रख देंगे इसे। और नीचे आप देख सकते हैं उसका नेम फिल करना होगा हमें। चलिए हम यहाँ पर की लिख देते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है, ये भी आपका जब आप गूगल प्ले कंसोल पर जब अपनी ऐप को अपडेट करेंगे जब ये आपको पासवर्ड चाहिए होगा, तो प्लीज़ इस पासवर्ड को आपको ध्यान से भरना होगा। और आपका कीस्टोन पाथ आपको ध्यान से रखना होगा अपने पास से, क्योंकि ये जब ही काम आएगा जब अपनी गूगल प्ले कंसोल पर आप अपनी ऐप को अपडेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देते हैं सब में। तो चलिए हम यहाँ पे भी अपना सेम पासवर्ड फिल कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हैं एलियास का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम फिर से अपना सेम पासवर्ड फिल कर देंगे, यहाँ पे भी हम अपना सेम पासवर्ड फिल कर देंगे। और नीचे आ जाएगी एज, हम अपनी ऐप की एज कितनी रखना चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पे 100 फिल कर देंगे यहाँ पे भी। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर से अपनी ऐप की एज को हम 100 कर देंगे। और नीचे आ जाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं आपका नेम फुल नेम आ जाएगा और नीचे आपका ऑर्गेनाइजेशन, इनको आपको स्टेप बाय स्टेप सबको फिल कर देना होगा। तो चलिए हम इन सबको भी अपने स्टेप बाय स्टेप सबको फिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको हाईलाइट करके भी मैंने दिखा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नेम फिल कर देंगे सबसे ऊपर, यहाँ पर हम अपना नेम फुल नेम फिल कर देंगे, आपको भी यहाँ पर अपना फुल नेम फिल कर देना होगा। और नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, चलिए हम ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम अपना YouTube चैनल का नेम ही फिल कर देते हैं। यहाँ पे भी हम अपना YouTube चैनल का नेम ही फिल कर देंगे। और सबसे नीचे आ जाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सिटी या लोकेलिटी आएगी, तो चलिए हम यहाँ पे दिल्ली फिल कर देते हैं। और यहाँ पे आपकी स्टेट आएगी, तो चलिए हम यहाँ पे स्टेट में भी अपना दिल्ली फिल कर देते हैं। और कंट्री कोड भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से आपका एपीके कहाँ पे रखना है आपको, तो आपकी लोकेशन पूछेगा, तो चलिए आपको वो फिल कर देना होगा यहाँ से। और नीचे आपका रिलीज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम अपना एपीके रिलीज़ कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा
एपी के जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो बहुत ही जल्दी जनरेट हो जाता है आपका एपी के। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है तो इसमें टाइम लगता है। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सोर्स कोड कैसे मिलेगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी तो आपको सोर्स कोड का पासवर्ड भी मिल गया होगा, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एपी के जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे लोकेशन पे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एपी के शो हो जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे आप ग्रुप अर्निंग भी कर सकते हैं आप चाहें तो। और इसमें आपका यूनिटी की ऐड लगी है जो कि एक बैनर ऐड है। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसके अंदर आपको मैं इंडस्ट्रियल ऐड भी ऐड करके दे दूंगा, इस पर भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। न्यू व्यूवर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।